मैं अभी सो के उठी हूँ तो मैं बाहर से कपड़े उतार के ला रही थी अभी, तो ये तोता मरा हुआ उसमें पिंजरे में गिरा हुआ, और ये अभी ही हुआ है इसको कुछ, इसकी बॉडी अभी भी सॉफ्ट है। अभी सुबह सुबह कैसे हो गया इसको कुछ, बिल्ली भी नहीं, दरवाजे ही बंद थे हमारे सारे को। सुबह 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 तोता देखो तो प्यारा था, मर गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम कैसा है हमारी तरफ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। दो घंटे से स्टिल बारिश हो रही है, स्टिल बारिश हो रही है। ये देखें वेदर, वेदर वेदर हमारी तरफ सही ठीक ठाक बारिश हो रही है। मेरे पीछे आपको बच्चे बाग के गंदे पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, अजीब हरकत है बच्चों की। और मैंने बनाई है बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई, और अब हम उसको खाना ट्राई करने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और इसके बाद आप लोगों से चिट चैट करती रहेगी। मेरा आज का व्लॉग जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और मुझे उसका रिव्यू भी ज़रूर देना। तेज बारिश कमाल की रहमत बरस रही है लाहौरियों के शहर में। जब भी मैं प्लान करती हूँ कि मैंने कहीं जाना है बाहर, और उस दिन आ जाती है बारिश। बारिश है ना मेरा 36 का आंकड़ा है। हैं? इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से भी पानी आ रहा है। मेरी सफाइयों की ऐसी की तैसी फिर चुकी है, इस विंडो से भी पानी आ रहा है। अभी सफाई करके मैं फारिग हो गई हूं। ये क्या बात है भाई, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई, ठीक है? उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ। 1/2 kg लिया है मैंने चिकन, इसमें लहसुन अदरक पेस्ट चल जाएगा तो कम से कम 3 tablespoons ये मैंने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, और थोड़ी 2-3 हरी मिर्ची। मसाले इसमें क्या जाएंगे, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया क्रश हुआ हुआ, जीरा और नमक, जैसे ये मसाले। हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, टमाटोज जाएंगे इसमें 5-10 दरमियाने, और 1 cup इसमें जाएगा दही। हमने कर लिया है फ्लेम को ऑन, अब हम रखेंगे इस पर अपना पैन और इसमें डालेंगे हम ऑयल। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग जो चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, एज़ योर चॉइस। अच्छा, घी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ऑयल या घी कम से कम इसमें चला जाएगा 1/4 cup। घी हमारा गर्म हो चुका है, आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो 1/2 kg चिकन है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम चिकन को फ्राई करेंगे। को पकाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसका, लेकिन ये कि बड़ी अच्छी बन जाती है। चिकन जो है इसमें फ्राई होने लग गया है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा बाद में हम जो ऑयल या घी है अपना निकाल देंगे, क्योंकि हमने फ्राई करना है चिकन को, इसलिए हमने थोड़ा इसको ऑयल की क्वांटिटी को ज़्यादा लिया है। अच्छे से इसको फ्राई करना है इसमें।
बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। नॉर्मली हम जो कढ़ाइयाँ खाते हैं उससे थोड़ी ये डिफरेंट है। चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसके जैसे थोड़ा सा ये फ्राई होगा इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट, मतलब जो मैंने चॉप किया हुआ है सारा इसमें चला जाएगा। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें से निकाल लिया था, फ्राइंग के लिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर रखने का मेरा तरीका देख लें कि इसमें टमाटर के सिर्फ दो दो पीस करने हैं और इसको इस तरह से आपने इसमें रखते जाना। बस मुझे थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए इसमें, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं तो मैंने टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जी। इसी तरह ये दो दो पीस करके सिर्फ टमाटरों के इसमें रखने हैं और लो फ्लेम करके, यानी बहुत ज़्यादा लो ना हो लेकिन इसको लो करके आपने इसको ढक देना। जी अब मैंने इसका जो टमाटर है वो गल चुके हैं, हम क्या करेंगे इसका ऊपर से जो छिलका है वो इस तरह से चिमटे की मदद से इसको रेज कर लेंगे, पूरे टमाटर का छिलका से हाथ में आ जाएगा, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख आराम से छिलका हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जो छिलका है ना वो इस कढ़ाई में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम छिलकों को रेज कर देंगे। ये देखें टमाटर के छिलके जो थे वो सारे मैंने इसमें निकाल लिए, ये देखें अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें जो दही 1 कप था वो शामिल कर दूंगी, यहाँ का दही जो है लाहौर का वो पानी जैसा है। दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब जो सारे मसाले हैं जिसमें काली मिर्च है और क्या कहते हैं इसमें सूखा धनिया है, ज़ीरा है, नमक है, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये है कि मैं इसको ढक के तेज़ आंच पे थोड़ा इसका पानी खुश्क हो, ये चिकन तो मेरा अच्छा खासा गल चुका है, मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसका पानी जैसे ही ड्राई होगा इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्ची का गार्निश कर देंगे। अब मैं इसमें इसको भून रही हूँ, पानी हमारा अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, इसको भूनूंगी थोड़ा सा, जैसे ही ऑयल छोड़ देगा मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको गार्निश कर दूँगी। बहुत अच्छी बनती है ये कढ़ाई सिर्फ काली मिर्च में और नमक में और ज़ीरा।
जो ऑयल है वो देखें ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुन चुका है, बस थोड़ी देर में हमारी कढ़ाई रेडी है। अब जी अजाने हो रही है, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं और धनिया डालूंगी। मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी रेडी है, ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई। मुझे इसका रिव्यू ज़रूर, इस डिश को ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप लोग मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। कढ़ाई मेरी बहुत 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 लजीज बनी, पेट भर के खाना खाया। हस्बैंड से मैं भी आप लोगों को रिव्यू लेके दूंगी, आप लोगों ने इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करना है, लिटरली बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी, मज़ा आ गया खाने का। अब थोड़ा घूमते हैं, मैंने चाय बनाई है, अब चाय पियेंगे। आज हमने थोड़ा बाहर जाना था लेकिन इतनी तेज़ यहाँ 3 घंटे से बारिश हो रही है और जितना पानी खड़ा हो चुका, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जा सकेंगे। हल्का मैं अगर आपको दिखाऊंगी व्यू, ये देखें बाहर पानी। अब इस पानी में हम बाहर कैसे जा सकते हैं, तो आज का हमने कर दिया बाहर जाना कैंसिल, क्योंकि हमारा रोड भी आज फुल है। रोड मैं आपको दिखाती हूँ, रोड भी फुल है। आज एक चीज़ बड़ी अजीब सी हुई, वो ये कि सुबह सुबह हमारा तोता एक मर गया, और वो मरा मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ, मैं शायद उठी हूँ 11 बजे, और मैं उठ के बाहर जाके गेट खोल के वेदर को देखती हूँ। आजकल मौसम अच्छा है तो मुझे लग रहा बादल हो रहे थे, मैंने कहा चला जाके देखूँ। मैं गेट से जैसे अंदर एंटर वापस हुई तो वो तोता चारा गिरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि बस आखिरी सांसें उसकी निकल रही हैं, और आई थिंक उसको हार्ट अटैक हुआ था। मैं तो हस्बैंड को ये कह रही थी, मैंने कहा इसको लग रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, बेचारा मर गया। कहते हैं जानवर अगर खुद इस तरह से उसकी डेथ हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी वो कोई घर पे कोई आफत या मुसीबत आने वाली होती है जो वो अपने ऊपर ले लेता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस तरह कुछ। ये जी मेरे सरताज को चढ़ा हुआ गुस्सा मेरे पे शदीद किस्म का। अब हम कर लेते हैं दूध का जो करना है। भाई देखो आप सो जाते हो फिर मुझे बोरियत होती है, इसलिए मैंने आपको उठा दिया। बोरियत होती है तुम्हारा घर नहीं है कराची में, अपने घर में अकेली नहीं रहती थी बिल्कुल। तो वो घर था ना अकेली थी, तब पता था वहाँ अकेली हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे मैं मर गया, मैं सोया हूँ तो क्या मतलब है, फरिश्ते ले गए। एक और चीज़ अभी ये हुई कि मैंने क्या कहते हैं हस्बैंड को सोए को उठा दिया, उसके बाद से उनका दिमाग ऐसा घुमा हुआ है, मुझे बातें सुनाई जा रहे हैं, तुमने मुझे उठा दिया, तुमने मुझे उठा दिया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं लेटा हुआ, मैंने कहा बोर हो रही थी इसलिए मैंने उठा दिया। और उसके बाद ये इधर से उधर उधर से इधर घूमते हुए मुझे सुनाते जा रहे बातें कि हाँ अब तुम आराम से बैठोगी, अब तुम्हें सुकून आ गया, अब तुम्हें नींद भी आएगी, अब तुम आराम से बैठोगी, कि ना तुमने मुझे उठा दिया, तुम्हें सोया हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई घर में मैं सिर्फ हम दो मियाँ बीवी, अब एक बंदा सोया तो दूसरा बंदा बोर होगा ना, चले 2 घंटे 1.5 घंटे सो लिया बहुत है, इनफ है, ठीक है उठ जाओ। तो बस ये चल रहा था और सुना चलते फिरते जल जल के कुड़कुड़ के मुझे सुनाई जा रहे थे। खैर बड़ा अच्छा दिन गया आज का भी, और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी